Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला है। अब आगे की जो लड़ाई है वो मेयर को लेकर है, लेकिन इस बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो काफी तेज हो गया है। मेरे साथ यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो जीते हुए पार्षद है वो मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी दफ्तर ये पहुंचे हैं और जो राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह वो इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर पहुंचे। तीन पार्षद यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अरुण नावरिया। कौन से वार्ड से हैं? वार्ड नंबर 166 पुष्पविहार। पुष्पविहार से हैं। आप कौन से वार्ड से हैं? सर वार्ड 88 बलजीत नगर। बलजीत नगर से। और आप कौन से वार्ड से हैं? विश्वास नगर दोनों साथ। ठीक है, लेकिन इन्होंने एक आरोप भी लगाया है, उस आरोप के बारे में हम बात कर लेते हैं। इधर बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी खरीद फरोख्त में शामिल हो रही है, सीसीटीवी उन्होंने जारी किया है, लेकिन आप बताइए कि आप क्या आरोप लगा रहे हैं? सर मैं आरोप नहीं लगा रहा, आप जाके हमारे वार्ड की जनता से पूछ सकते हैं और जो मेरे साथ लोग लगे हुए थे उनसे पूछ सकते हैं कि उन्हें किस तरीके से डराया धमकाया गया, उन लोगों को मना करा गया कि आम आदमी पार्टी का प्रचार ना करें, और अगर कोई प्रचार में लगा तो उन्हें घर जाके गालियां दी गई, उनको धमकाया गया। अब जब हम चुनाव जीत गए तो हमें मान लीजिए जो हमारी टीम लगी हुई है उन लोगों के द्वारा पता चलता है कि भाई आप संभल के रहिए, आपको मार देंगे जान से, मतलब प्रतिज्ञा लेने से पहले। आपको कोई फोन आया, आपसे किसी ने संपर्क किया या आपको आपके घर कोई आया, हुआ क्या? मैं आपको बताता हूँ, हमारा वार्ड बहुत छोटा है, ठीक है, और वार्ड के अंदर हमारे बहुत कम ही ब्लॉक हैं। 12 ब्लॉक मदनगिर में आते हैं, दक्षिणगिरी के अंदर 4 ब्लॉक आते हैं, डीडी फ्लैट की 20 गलियां आते हैं। उस बिहार इंक्लूड होने से थोड़ा वार्ड बड़ा हो गया, लेकिन क्या वहाँ सब हम मिलजुल के रहते हैं, सारे एक साथ रहते हैं। संपर्क कैसे हुआ ये जानना चाह रहा हूँ। लोग जो हमारे यहाँ के लोग हैं ना जो मेरे साथ लगे हुए थे, जिनमें से उन लोगों को बोला गया कि भाई उससे बोलिए संभल के रहे, तो उन लोगों ने मुझे इत्तला किया। पुलिस कंप्लेंट फाइल की है आपको? कोई नहीं की। सबसे पहले मैंने पार्टी को इत्तला करा है, पार्टी को इत्तला करने के बाद मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा, और चुनाव के दौरान भी मैंने एसडीएम ऑफिस में कंप्लेंट लगाई थी कि भाई उन लोगों को धमकाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और डीसीपी ऑफिस लगाई थी, डीसीपी ऑफिस ने वो रिजेक्ट कर दी थी, कहा था आप एसडीएम ऑफिस लगाइए, हमारे पास आपको एप्लीकेशन लगाने की कोई जरूरत नहीं। चलिए, और भी जो पार्षद है उनसे हम बात कर लेते हैं। फोन किसके पास आया? फोन मेरे एक दोस्त हैं, मेरे साथ रहते हैं, चुनाव के दौरान उनके पास आया था कि बात करो। पार्षद आपकी बेटी है? मेरी बेटी है। तो उन्होंने बोला कि भी ऐसे ऐसे मैं योगेंद्र चंदोलिया बोल रहा हूँ और आदेश गुप्ता जी बात करेंगे आपसे, मैं बताऊँ। बोले यार वो ऐसे ऐसे जो है आप हमारे साथ आ जाओ। तो मैंने कहा ऐसे कैसे यार? कॉल रिकॉर्डिंग है आपके पास? रिकॉर्डिंग स्क्रीन शॉट है, जो फोन पे है उस पर स्क्रीन शॉट ले रखा है मैंने। अच्छा, क्या बोला फोन पर आपको, आरोप क्या है आपका? ये है कि अब 2 करोड़ रुपए ले लो, फिर 5 आ जाओ, फिर 10 पे आप 10 में लो, एडजस्ट कर लो, 10 ले आओ, 100 करोड़ रुपए का बजट है, आप 10 लोग ले आओ। तो मैंने कहा हम अरविंद के संपर्क कैसे हुआ? आप ये कह रहे हैं आपकी नजदीकी को कॉल आया और उन्होंने आपको बताया? उन्होंने मेरे को फोन दिया कि ये फोन आ रहा है चंदोलिया जी का, ये बात कर लो आप। और साथ ही साथ आपने क्या इस पूरे मामले में कोई पुलिस कंप्लेंट की है? नहीं, मैंने अपने बॉस को सर को बताया, फिर उन्होंने बुलाया यहाँ पे, तो पीसी करने आपके सामने आए। आप किस तरह से इस मामले को देख रहे हैं आप, क्या आपको आशंका है? नहीं, गलत है ये खेल तो गलत है जिस तरीके से कर रहे हैं। जो लोग चुन के हैं उनको अपना मेयर चुनने दीजिए, जो लोग चुन के हैं उनको अपना मेयर चुनने दीजिए। क्या नाम है आपका, आपके साथ पार्षद आप हैं? क्या नाम है? सुभाष, इसका ज्योति नाम है इसका। मेरा सुभाष 207। मेरे पास कल मेरा दोस्त आया, वो पहले तो झिझक रहा था कि भाई तेरे से बात करूं या नहीं करूं, फिर उसने मुझसे बात करी कि भाई तेरे लिए एक ऑफर आया है बीजेपी का और ऐसे आपको क्रॉस वोटिंग करनी है और इस काम के आपको 50 लाख में मिलेंगे। अच्छा, मैंने उसको मना कर दिया भाई इस काम। आपसे सीधे संपर्क किसी ने किया? मेरा दोस्त ने संपर्क करा मेरे से, जो मेरा अच्छा दोस्त है बीजेपी ने, उससे संपर्क करा। डायरेक्ट तो मेरे पास आए नहीं, वो लोग उसके पास आए। आप में से किसी के पास कोई डायरेक्ट नहीं आया? डायरेक्ट नहीं आया मेरे पास। तो आप इसको लीगल तरीके से किस तरह से उठा रहे हैं मुद्दे? मैंने पार्टी को रात को बता दिया, रात को 11 बजे के आसपास मेरे पास आया था वो, तो मैंने पार्टी को रात को 11:30 बजे ही बता दिया था, तो आज उन्होंने मुझे यहाँ बुला लिया, फिर आपके सामने बताया। चलिए ठीक है, ये सभी लोग हैं, ये देखिए आप, ये पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के, और इन लोगों के पास इनका कहना है कि अलग अलग माध्यम से अलग अलग तरीकों से संपर्क करने की कोशिश की गई। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी किस तरह से लीगल रूप लेती है इस पूरे मामले में। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ पंकज जैन, दिल्ली।